हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप देख ही रहे होंगे थंबनेल में कि अगर आपका विजन अगर बड़ा, अगर आपका स्ट्रांग है और आपका अगर प्लान अगर आप सोच के रखे हो, फ्यूचर अगर आपका विजन आप अगर सोच के रखे हो, तो जितना स्ट्रांग आपके पास विजन होगा उतनी गुड पॉसिबिलिटी होगी आपके लाइफ की। तो जस्ट मेरे को लग रहा था ये वाला पॉइंट आपका अच्छा है, तो जस्ट मैं देख रहा था कि स्ट्रॉन्गर द विजन स्ट्रॉन्गर द फ्यूचर। तो अगर आपका विजन बड़ा अच्छा है तो आपके फ्यूचर के चांसेस बड़ा अच्छा है। और बहुत ही कम लोगों का विजन अच्छा होता है। बहुत सारे लोग जब चीज़ें हो जाती है तब सबको पता चल जाता है कि ये अच्छा हो रहा है। बहुत सारा हम देखते हैं कि सब लोग उस साइड भागते हैं जब वो चीज़ें सक्सेस हो जाती है। कभी भी लोग नया नया प्लान नहीं करते। तो बहुत ही कम लोगों के पास गुड विजन होता है। लोग हमेशा गुड वाली चीज़ों के पीछे भागते। मेरा हमेशा मानना है कि हमेशा अच्छी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप किस में बेस्ट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर जिसमें बेस्ट हो और अगर आप उसमें हाथ डालोगे या उस साइड में अगर आप करोगे, और वहाँ पे हो सकता है कि प्रेजेंट में आपको लग रहा होगा कि चीज़ें अच्छी नहीं है, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यार इसमें क्या होगा, लेकिन आप अगर उसमें गुड हो तो आपका जो आने वाला टाइम होगा वो बड़ा बेस्ट होगा। इसलिए इसलिए लोगों को ना उस साइड नहीं जाना चाहिए जो बेस्ट है, उस साइड जाना चाहिए जिसमें आप बेस्ट हो। तो दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारे लोग बेस्ट चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ आप जिसमें बेस्ट हो उसको सिलेक्ट करो। दोनों में डिफरेंस है। और इसलिए लोग की मिस्टेक्स होती है। इसलिए लोग कई बार अच्छे अच्छे चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं कि अरे इसमें बहुत मज़ा है। तो फिर तो सभी लोगों को क्रिकेटर बनने का सपना देखना चाहिए। सभी लोगों को क्रिकेट खेलने का ट्राई करना चाहिए। सभी लोगों को एक्टिंग का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में एक्टिंग और क्रिकेट वाला जो पार्ट होता है बेस्ट होता है। तो सभी लोग क्रिकेटर नहीं बन सकते, सभी लोग एक्टिंग नहीं कर सकते, सभी लोग कैसे कोई मतलब सभी एक्टर कैसे बन जाएंगे? नहीं, सभी लोग क्रिकेटर या स्पोर्ट पर्सन कैसे बन जाएंगे? सबका अपना अपना पार्ट है। दुनिया के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनका फीलिंग है, अलग अलग उन अलग अलग वो सोचते हैं। तो क्या बेस्ट है उसको इग्नोर करो। इम्पोर्टेंट है कि आप किस में बेस्ट हो उसको ट्राई करो। तो कई बार हम इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं, उसके बाद हमको कई बार समझ नहीं आता है। तो अभी अभी आज की डेट में ना बहुत सारे ऑप्शन है, दुनिया के इतने सारे फील्ड है। आपको हमेशा ऑप्ट करना चाहिए बेस्ट, आप जिसमें कर सकते हो वो वाले बेस्ट चीज़ों को ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बड़ा बेस्ट डिलीवर कर सकते हो तो आपको टीचिंग फील्ड में आना चाहिए। आप ये मत सोचो कि टीचिंग में पैसा है। अगर आप पैसा सोच के आओगे तो हो सकता है पता चला कि पैसे ही नहीं कमा पाओगे और निपट जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। टीचिंग का पढ़ाने का मजा तब है जब बिना पैसे के आप 2 लोगों को 10 घंटे पढ़ा सकते हो। इसका मतलब है आप टीचर बन सकते हो। आप बिना पैसे के 2 लोगों को अगर 10 घंटे पढ़ा सकते हो और बड़ा इंजॉय करते हुए हंसते हुए, इसका मतलब टीचर बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप पैसे के लिए आओगे किसी भी फील्ड में, आप पैसे के लिए सोचोगे कि मेरे को इसलिए एक्टर बनना है क्योंकि पैसा ज़्यादा है, मेरे को इसलिए स्पोर्ट्स में जाना है क्योंकि पैसा ज़्यादा है, या मेरे को टीचिंग में जाना है पैसा ज़्यादा है, आप सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन चांसेस बड़ा कम हो जाएंगे। अगर आपके अंदर का जो फीलिंग है बड़ा स्ट्रांग है किसी चीज़ को करने के लिए, तो उस साइड में जाना चाहिए। चाहे सिंगिंग हो, चाहे फिर फोटोग्राफी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि आप बिलीव कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आप उस लेवल को अटेन कर सकते हो, तो उस जगह पे जाना चाहिए। कोई क्या बोलता है मैटर नहीं करता है, कौन किस वे में लेता है मैटर नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए। फिर आपको जबरदस्त जान डालने का वाला पार्ट होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को करते करते आगे तक बढ़ गए और फिर पीछे आ रहे हो, इसका मतलब है कि जो चीज़ आप करने गए थे उसमें आपका इंटरेस्ट था ही नहीं, आप जबरदस्ती करने गए थे क्योंकि आप बिना इंटरेस्ट के गए थे। अगर आपका इंटरेस्ट होता तो आप ना एंडिंग करते, चाहे वो फेलियर क्यों ना होते, लेकिन आप उस चीज़ को पीछे मुड़ के वापस नहीं आते। क्योंकि कोई व्यक्ति जब जब वो जिसमें इंटरेस्ट रखता है, जब वो आगे बढ़ता है, तो फेलियर और सक्सेस वाला पार्ट कहाँ होता है? जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट है, उसमें क्या बात है कि सक्सेस और फेलियर? वो लोग पीछे नहीं आते। तो बहुत सारे लोग ना ये देखते हैं कि अच्छा क्या क्या है, क्या क्या लाइफ में अच्छा हो सकता है, क्यों अपने को यूपीएससी करना है, मस्त अच्छी लाइफ है, मतलब मस्त पैसा मिलेगा, क्यों ये करना है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए सर, सिक्योरिटी है सर, टेंशन नहीं रहेगा सर, कभी जॉब गए कभी ना गए, आराम से उठे संडे सर, आराम से घर में बैठे रहे, आईपीएल का मैच देख रहे सर, कोई टेंशन नहीं सर, इसलिए सर गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आपको अगर आपका सोच ऐसा है, थॉट ऐसा है, तो फिर आप बिग ड्रीम मत देखो यार। आप ऑडी वॉडी में घूम नहीं सकते हो, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर आप बिग ड्रीम मत देखो। तो आपको समझ आना चाहिए कि आपके ड्रीम बड़े हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग वैसी होना चाहिए। फिर आपके ड्रीम बड़े नहीं है और फिर आप जबरदस्ती प्लान कर रहे हो तो परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो ये चीज़ को समझ आना चाहिए। तो गुड विजन रखो, अच्छा सोचो, और बहुत ही कम लोगों के पास अच्छा विजन है, याद रखिएगा। जब ये इंजीनियरिंग गिरने वाला था तो कई लोगों को समझ नहीं आया। देखो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत सारे टीचर लोग, एक समय था जब वो लोग अपना अच्छा एफर्ट करके अपने आप को गुड बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए। अब देखो टाइम चला गया, अब इंजीनियरिंग का क्रेज गिर गया, अब बहुत सारे टीचर लोग परेशान हैं, उनको जॉब की
आपकी सिक्योरिटी हो रही, तो जब भी आपका कंफर्टेबल जोन रहता है ना, तब बहुत सारा वर्क करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल जोन में ना केयरलेस हो जाते और फिर जैसे टफ जोन आता तो भागना चालू कर देते। तो अपने कंफर्टेबल जोन में ना जबरदस्त जान लगा के वर्क करना चाहिए, वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना चाहिए। मैं हमेशा वर्स्ट केस के लिए अपने आप को रेडी रखता हूँ कि गेट का एग्जाम कल नहीं होगा तो क्या मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि कल अगर, कई लोग सोचते हैं कि कुछ अगर हो गया, बहुत सारे लोग वेट करते रहते मेरा, मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं कब फेलियर होऊंगा, कब गिरूंगा जिस जगह पे हूँ। और ये अभी की बात नहीं है, लोग पिछले मेरे लगता है 2013-14 से सोच रहे। लोग 13-14 में मेरे को बोलते थे कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स गया, अब आपका क्या होगा? अब तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई ले नहीं रहे। फिर लोग सोचते थे कि अब तो भिलाई में बच्चे ही नहीं बचे, तो मैं ऑफलाइन के बच्चे बुला लिया। अब लोग बोल रहे थे कि अब क्या होगा, ऑफलाइन लोग नहीं पढ़ना चाहते, मैं ऑनलाइन में आ गया। मतलब मैं हमेशा प्लान करते रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब मैं डाउन होगा, कब मैं गिरूंगा। लोग इंजॉय करना चाहते इस वाले चीज़ को, तो मैं उनको मौका नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे प्लान और ज़्यादा है। लोग जितना मेरे को सोचेंगे मैं गिरूंगा, मैं उतना ही जंप मारूंगा ऊपर। एक समय के बाद लोग मेरे को इग्नोर करना चालू करेंगे। इतना ही अपनी जिंदगी के लाइफ होना चाहिए। आपको जो पसंद है मन से करो, अपना गुड विजन रखो और बेस्ट एफर्ट दो। ठीक है, तो आज का इतना ही था। आप आराम से ये सबको वीडियो को जो देखते हो उसको स्टेटस बनाया करो, शेयर किया करो। किसी ना किसी के लाइफ में ये हो सकता है कि बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन हो जाए और कुछ लोगों की लाइफ बेटर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।